मैं तो बोलूं मेरी गाड़ी की रकम भी पूरी चलान में चली गई है, अभी 50,000 किस्त बची हुई है गाड़ी की, 50,000 के चलान ही पूरे हो रहे हैं, ये क्या फायदा ऐसी गाड़ी चलाने का फिर? मुझे हेलमेट पहन लिया करो ना भाई, हेलमेट भी चलान नहीं। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने हेलमेट नहीं डाला, मेरा चलान हुआ है। हेलमेट नहीं पहनोगे चलान तो आएगा, लेकिन मेरे घर के बाहर जो बाइक खड़ी है वहाँ पे चलान कैसे हुआ है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 मैडम 12 आगे 13, कितने 14 है तेरे समेत। इतना सामान आपने लिया हुआ है, ये आपकी इतना तो ऑटो भी नहीं लेता। इतने सारे चलान आने के बाद फिर भी हेलमेट नहीं डालते आप? सर हेलमेट डालते हैं हम, लेकिन चलान ऑनलाइन करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है, मजबूरी के कारण हमें अपने पुराने आगे वाली भी और पीछे वाली नंबर प्लेट भी छुपानी पड़ रही है। पलटोए का स्कूटी भी इधर आया लगा, ऐसे इतना सामान आपने बरकर लिया हुआ है, ये अपनी जान के लिए खुद प्रॉब्लम है, है? चलो आरसी लाइसेंस दिखाओ सर, रखो इसको नीचे, कैसे जाने दो, पकड़ा है ना हमने, ऐसे थोड़ी आने लेंगे। तो कोई बात नहीं सर, आप थोड़ा नीचे तो रखो, कोई बात नहीं, सारा उतारना पड़ेगा। एक स्कूटी पे इतना सारा सामान आपने ओवरलोड नहीं करता, आगे से लेंगे यार, आगे से लेंगे। आपको पता नहीं इसका चलान है? हाँ पता मुझे, बुला रही है मैडम आप। कि बिना हेलमेट के 1,000 रुपया फाइन है, और आगे आपने बोले नहीं दिया, आपने बोला कोर्ट का चलान दे दो, है कोर्ट में भी मैं ही बैठी हूँ, या एडिशनल बैठे हैं, कोर्ट में भी जज ही बैठे हैं, अभी आपने आगे नहीं बोले दिया। आगे हमने ये बोला था कि ये मोबाइल लोक अदालत है, मोबाइल नेशनल लोक अदालत चल रही है, इसीलिए मैं हाफ फाइन करूंगी, आधा फाइन करूंगी, आपने वो बोलने का मौका नहीं दिया। आप इतना उतावले हो गए आप लोग, आप बोलते कोर्ट का चलान दे दो, कोर्ट में भी दो जज ही बैठते हैं, गलती नहीं मानी हमने, सीधा बोल देते हैं कोर्ट का चलान। मानते हो कि जिस प्रकार से मैम ने आपको आगा चलाने? हाँ गलती मानता हूँ, मेरी गलती है, मैंने नहीं हेलमेट डाली थी, मेरे पास ही थी जी, पास रखी फिर भी नहीं डाली आपने? इधर इधर दुकान पे लगाऊं, ऊपर ही खाली आया था, तो आगे बैठे थे, पता ही नहीं था, तो हो गया, आप क्या कर लें, आगे से पहनेंगे? हाँ आगे से पहनेंगे, अभी लगी हुई है मोटरसाइकिल के साथ ही, तो मोटरसाइकिल के साथ लगी है, पहन लेते हो आपके खाली 2 मिनट का रास्ता था, तो 2 मिनट में नुकसान करवा लिया, हो गया, आप क्या कर लें। क्यों आपको बार बार चलान करने की जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं आप लोग हेलमेट पहनते? क्यों नहीं आप लोग सीट बेल्ट पहनते? बार बार इसी तरह की तस्वीरें दिखाने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि क्यों आखिर आप अपनी मेहनत का पैसा इस तरह बर्बाद करते हैं, क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको चलान होगा, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो भी आपको चलान होगा, यानी कि अगर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन करेंगे तो आपको चलान होगा, इसीलिए बार बार आपको ये नाके दिखाते हैं ताकि आप लोग अवेयर हों और अपना पैसा बर्बाद ना करें। तमाम तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस एक्टिव है, और इस बाइक को अब नरवाल पुलिस स्टेशन में लिया जाएगा, क्योंकि इस बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और चालक के द्वारा उसे डॉक्यूमेंट्स का पूछा गया, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास इसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब इस बाइक को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नरवाल पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा। तो हैरान कर देने वाली बात थी कि स्कूटी चालक महिला के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो दोनों छोटे बच्चे उस महिला के साथ सेफ थे? अब मैं ट्रैफिक वालों से प्रूफ मांग रहा हूँ कि मुझे प्रूफ दो, जो फोटो आपने उठाया, जो 2000 का चलान मेरा एक टाइम का हुआ है, वो मुझे प्रूफ चाहिए, लेकिन वो फोटो नहीं दे रहे। अब इतने सारे चलान आने के बाद फिर भी हेलमेट नहीं डालते आप? सर हेलमेट डालते हैं हम, लेकिन चलान ऑनलाइन करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है, मजबूरी के कारण हमें अपने पुराने आगे वाली भी और पीछे वाली नंबर प्लेट भी छुपानी पड़ रही है। मैं बोलूं घर के बाहर मैं खड़ा हूं बाइक के ऊपर, अभी तो मैं निकला भी नहीं, अभी तैयारी में चप्पल में निकला हूँ, घर के बिल्कुल घर के बाहर हूँ मैं, वहाँ पे 2000 के चलान आ रहे हैं मेरे को, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर घर के बाहर भी हमें खड़े नहीं होने देंगे तो अगर नंबर प्लेट छुपाओगे तो फिर तो बाइक सीज ही हो जाएगी।
फिर तो पकड़वाने नहीं, फिर आप ऐसे ही करें और क्या करें, अदरवाइज बाइक सीज हो जाएगी, क्या करोगे फिर? मैं तो चलान पे चलान आ रहे हैं, हेलमेट आपने नहीं डालनी, और उसके बाद अगर आपको ज्यादा चलान आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं नंबर प्लेट छुपा दूं। एक एक जो चलान आया है उसका फोटो ही नहीं दिखा रहे, जो 2000 वाला चलान आया है, मैं बोलूं फोटो दिखाएं, मेरी क्या गलती है? जिस तारीख का 18 तारीख का चलान आया हुआ है, 18 तारीख को मैं पूरे दिन घर पे रहा हूं, मैं घर से बाहर तक निकला हूं, नहीं निकला हूं, लेकिन उस दिन का 2000 का चलान कैसे आ सकता है? नंबर प्लेट छुपाओगे तो फिर तो आपकी गाड़ी सीज, गाड़ी सीज सर, हमें फिर इतना करना ही पड़ेगा, और क्या करें सर हम, फिर गाड़ी सीज कर, फिर और क्या करवाएं सर? मैं तो बोलूं मेरी गाड़ी की रकम भी पूरी चलान में चली गई है, अभी 50,000 किस्त बची हुई है गाड़ी की, 50,000 के चलान ही पूरे हो रहे हैं। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एक मैडम बारह आगे तेरह कितने 14 है तेरे समेत हैं इधर ही तुमने, कोई बात नहीं डॉक्यूमेंट ले आओ, परमिशन है आपके पास आरटीओ की बच्चे कैरी करने की हैं, ले आओ डॉक्यूमेंट, परमिशन बनाई है आपने कमर्शियल गाड़ी की? ये प्राइवेट व्हीकल कैसे यूज कर रहे हो स्कूल के साथ, क्या अटैच की है? तो आरटीओ की परमिशन से या अपनी मर्जी से? पता नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, पता नहीं। चलो आ जाओ नीचे,